ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसराइल हिजबुल्ला के बीच लड़ाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। पिछले हफ्ते हिजबुल्ला के दर्जनों लोग मोबाइल डिवाइसेस के नतीजा में हलाक हुए, हजारों जख्मी हुए। अब दोनों तरफ मिसाइल फेंके जा रहे हैं। हिजबुल्ला के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अब आप इस जंग को क्या रुख अख्तियार करता और कितना फैलता देखते हैं? देखिए, ये जंग बुनियादी तौर पर शुरू हुई थी पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने अपनी जो सफाकियत, बर्बरियत और जंगलीपन का मुजाहरा करते हुए, जिस तरह उन बच्चों को जो इसराइल के और दूसरे मुल्कों से गए हुए कॉन्सर्ट में बच्चे थे, उनको पकड़ा, मारा, कोई 1200 से ज़्यादा, और अभी भी इसराइल के पास कोई हॉस्टेज कोई 100 के करीब हैं और कई मारे भी जा चुके हैं बेचारे हॉस्टेज। उसके बाद फिर इसराइल चूँकि एक बड़ी मिलिट्री पावर है, फिर उन्होंने जिस अंदाज के साथ रिटेलिएट किया, अब हमास वाले कहते हैं कि हमारे जो फलस्तीन है 40,000 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। अब ये जंग फैल चुकी है इसराइल और हिजबुल्ला की। पिछले हफ्ते जैसा कि दुनिया ने देखा कि जो पेजर्स थे हिजबुल्ला के वर्कर्स के पास या हिजबुल्ला के जो टेररिस्ट हैं उनके पास, वो पेजर्स फटे और 3,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। कुछ पेजर्स सीरिया में भी फटे, इनके जो वहाँ पे लोग थे। अब ये बहस चल रही है कि उन पेजर्स को क्या सॉफ्टवेयर के ज़रिए उड़ाया गया था या हार्डवेयर के ज़रिए उड़ाया गया था। तो अब दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है जी कि वो असल में हार्डवेयर में कोई ख़राबी की गई थी, यानी उन पेजर्स को जहाँ से वो चले थे हिजबुल्ला को सप्लाई देने के लिए, बीच में कहीं पे बारूद भरा गया था। अब ये बहुत ही हाईटेक मामला है। मैं तो वो खबरें बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल प्रेस में आ रही हैं। सच्चाई क्या है ये तो अब लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दुनिया की हुकूमतें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब देखते हैं क्या सच्चाई सामने आती है। तो बहरहाल अच्छी खासी तबाही हुई और लबनान में लोग अपने सेल फोन फेंकने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं सेल फोन्स की बैटरियां ना फट जाएं, इस हद तक खौफ किया। अब जाहिर है हिजबुल्ला ने फिर जवाब के तौर पर सैकड़ों मिसाइल फेंके इसराइल के ऊपर। अब हिजबुल्ला के जवाब में इसराइल जब मिसाइल फेंकेगा तो जाहिर है लबनान के इलाकों में हो गए जहाँ हिजबुल्ला का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब लबनान जो देश है, एक ज़माने में दुनिया का वन ऑफ द लिबरल्स खूबसूरत देश हुआ करता था, अब जब से ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट सच एज हिजबुल्ला वहाँ पर छाए हैं, लबनान में कई खाना जंगियाँ हो चुकी हैं, लबनान बर्बाद हो चुका हुआ है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और वन ऑफ द लिबरल्स देश हुआ करता। तो अब लबनान के भी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं UNGA असम्बली न्यूयॉर्क, तो वो भी बेचारे क्या बात करेंगे। एक तरफ तो हिजबुल्ला के दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ इसराइल, फिर जाहिर है जब वो अपनी कार्रवाई करता है तो फिर तो इनकी दहशतगर्दी सबकी एक तरह से भूल जाते हैं ये। अब ये सवाल ये कि जंग कितनी और फैलेगी, ये बड़ा मसला है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि ये जंग कोई इंटरनेशनल जंग नहीं बन सकती, क्योंकि इस जंग के लिए रूस और चीन नहीं कूदेंगे, यानी ये कोई फलस्तीनियों की सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 स्टेटमेंट दे देंगे। चीन तो अभी तक यही कहता है जी कि दोनों पार्टियां बाज आएँ, वो तो इसराइल की मजम्मत भी नहीं करता। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात मसला है कि इवन अरब ममालिक भी जो पहले फलस्तीनियों की मदद के लिए जंग में उतरा करते थे, अब वो भी नहीं उतर रहे हैं, वो भी दूर हैं इस जंग से, वो भी बल्कि अंदर से दिल से हमास को, हिजबुल्ला को ही कसूरवार ठहराते हैं। उनका वाज़े तौर पर ख्याल है, सऊदी अरब हो चाहे ये UAE हो, कुवैत हो, कतर हो, कि भाई इन्होंने ये फलस्तीनी ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हमास के और इस तरह के इस्लामिक जहाद, वो ये वाज़े तौर पर समझते हैं कि ये लोग ना हमारे अमन के लिए ख़तरा हैं, उनको इसराइल से कोई ख़तरा नहीं, लिहाजा वो भी जंग में नहीं कूदेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ईरान जंग में कूदेगा,
ईरान की दोस्ती है चीन से भी है और रूस से भी है। याद रखना चाहिए कि इसराइल की भी चीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इसराइल के रूस के साथ भी कोई बहुत बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं और बहुत बुरे ताल्लुकात भी नहीं हैं। वो कतन और कतन इस जंग में नहीं आएंगे। रूस वैसे ही यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है, वो एक और मुसीबत अपने गले डालने के लिए तैयार नहीं है। चीन भी नहीं आएगा, चीन की ऑलरेडी कोल्ड वार चल रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, तो वो भी नहीं आएगा। इसलिए ये जंग ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता। ये ज़्यादा से ज़्यादा ईरान इसमें कूद पड़ेगा। ईरान के कूद पड़ने के बावजूद भी चीन और रूस इस जंग में नहीं आएंगे और मुझे नहीं लगता कि ईरान वाजे तौर पर इस जंग में कूदेगा। ईरान की भी इतनी सख्त नहीं है, उनको भी पता है कि इसराइल का मैं मुकाबला नहीं कर सकता और इसराइल के पीछे जो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड है मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि अगर ईरान इस ये हैं तो प्रॉक्सीज, हमास भी उनकी प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला भी उसकी प्रॉक्सी है, हूती जो यमनी जो उछलते कूदते रहते हैं टेररिज्म करते रहते हैं वो भी इनकी प्रॉक्सी है। ईरान इनकी डायरेक्ट मदद के लिए नहीं उतरेगा, अगर उतरेगा तो अरब देश भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड फिर खुल के इसराइल का साथ देगी और ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी साख बचाना भी अगर ईरान ने ये जंग मोल ली। आपको पता है ईरान के अंदर जाके उन्होंने हमास के लीडर को इस्माइल हानिया को मार दिया था और जाहिर इसराइल ने मारा था, माना तो उन्होंने नहीं कि हमने मारा था, लेकिन ईरान ने बस मुंह दिखावे के लिए कुछ मिसाइल फेंके थे और ईरान को पता है कि इसराइल का मिसाइल जो एंटी मिसाइल डोम सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि उनके यहाँ को दो तीन मिसाइल ही गिरेंगे, हम 300 फेंकेंगे 297 वैसे ही वो एंटी मिसाइल डोम सिस्टम बर्बाद कर देगा। तो बस मुंह दिखावे के लिए फेंकते हैं अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फेस सेविंग के लिए। तो ये जंग, अब मैं इस पर ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि नतन्याहू की भी पॉलिटिकल मजबूरी है, वो भी ज़ाहिर अनपॉपुलर है, वो भी चाहते हैं कि इस जंग में जितने आगे के स्टेप्स जाएं वो हों ताकि उनके खिलाफ रेबल जो उनके अपने पॉलिटिकल लोग हैं वो ना करें। और फिर नतन्याहू भी ये समझते हैं कि उनके पास मौका है कि जिस तरह उन्होंने हमास का काफ़ी हद तक सिस्टम बर्बाद कर दिया, अब वो हिजबुल्ला का सिस्टम जो नेटवर्क है उसका बर्बाद करने का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। खौफनाक जंग है। अब तक की जो चंद घंटों की इतलात है उनके मुताबिक 600-700 हिजबुल्ला के लोग या आम बेचारे लबनानी शहरी भी मारे जा चुके हैं और अगर हिजबुल्ला ना रुके तो तबाही और ज़्यादा होगी। हिजबुल्ला ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा ना, जो इस वक्त रॉकेट फेंक रहा है और फेंकेगा, तो फिर इसराइल और फेंकेगा, फिर इन द एंड क्या होगा? इन द एंड ये होगा कि वो मदद के लिए आएगा ईरान, तो वो मैंने पीछे बता दिया, ईरान मदद के लिए आ गया तो वेस्टर्न वर्ल्ड फिर सारी मदद के लिए आ जाएगी इसराइल की। नतन्याहू के ऊपर जो दबाव है इलेक्शन वलेक्शन कराने का या हुकूमत छोड़ने का वो ख़त्म हो जाएगा और फिर वो नतन्याहू को मौका मिल जाएगा कि हिजबुल्ला की पूरी जो स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमम हद तक वो तबाह बर्बाद करे। मेरे ख्याल है जैसे आपने पहले कहा कि वर्ल्ड पीस चाहते हैं इस वक्त, पीपल आर अवेयर कि अब जंगों का ज़माना नहीं है, जंगों का फ़ायदा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टांस के तौर पर लड़ी जाने वाली जंग है और इसको लोकली ही रिजॉल्व होना चाहिए। आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरार मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.